हे दोस्तों, क्या हाल है? कि मेरी जो गिम्बल था इसका ये स्क्रू एक फ्री हो गया था, तो मैंने इसको फिलहाल सही करा कर ले आया हूँ। ठीक है, और मेरे को बाइक वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी कि वायर वगैरह कहाँ कहाँ लेकर पड़नी, फिर इसलिए मैंने इसके अंदर ही, यहाँ पर एक दिखाता हूँ देखो आपको। काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 1-1.5 घंटा हो गया होगा मुझे इसे लगाते हुए। मेरा बोया का माइक था, मैंने उसके क्लिप निकाला उसमें से और इसमें सेट कर दिया स्क्रू के ज़रिए। ठीक है, और अब क्या सीन हो गया इसका? अब मेरे को जो माइक जो मैं अपने कॉलर के पास लगाता था उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे औजार जिनसे हमने इस काम को अंजाम दिया, और ये माइक जिसको हमने काट कर अभी अभी छोटा किया है, और ये हमारे बोया के माइक की डिटेल वगैरह, और ये इसका हमने स्क्रू निकाला था इसमें से। तो अब ये कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे इस तरह सेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फोन। देखो यार, देसी जुगाड़। तो भाई साहब, गिम्बल कर लिया मैंने रेडी विद माइक। अब माइक की भी कोई झंझट नहीं, और ये एक OTG प्लस डाटा केबल, ताकि रात को शूट वगैरह कर सकूँ मैं लाइट के साथ। क्या वासु के साथ खेल रहा है? तो बस भाई, फिलहाल हमारा गिम्बल हो चुका है रेडी। तो भाई लोग, ये वीडियो मैं पापा के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। भाई इसका जो लुक आ रहा ना यार, अल्टीमेट आया भाई। मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं इसमें इतनी बढ़िया कारस्तानी कर दूंगा। देखना, है नहीं लाइट का बटन दबाइए पीछे से, और ये इस तरीके से नाइट में शूट करने के लिए कर दे बंद। देखो भाई साहब, ये फाइनल लुक इसका भाई, मतलब पूरा खतरनाक टर्मिनेटर वाला लुक आ गया इसका। अब हम अपने ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी अनदर ब्लॉग में। अभी कुछ दिनों बाद ब्लॉग एडिट कर सॉरी ब्लॉग ब्लॉग अपलोड करूँगा, ठीक है? तो जो आप जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर वगैरह सब करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर देख, बोल जो कह रहा था ये बोल। सकरम और ठीक है तुमने दोस्तों, बस आपको यही दिखाना था हमारा देसी जुगाड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर आने वाले ब्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ब्लॉग्स की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।